आज ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन आज है, क्योंकि बहुत बहुत सालों बाद देश के जो सारे प्रधान वामपंथी छात्र संगठन है वो आज एक साथ हुआ है और दिल्ली के सड़कों पे हजारों के पैमाने पे हम पार्लियामेंट सीट अभियान किए हैं। और लास्ट दो साल से ये प्रूफ हुआ है कि देश को तोड़ने वाले राजनीति जो करते हैं वो शक्तिशाली नहीं है। हम लोग जो देश को जोड़ने का राजनीति करते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करने का राजनीति करते हैं वो ताकतवर है। ये दो साल से प्रूफ होता आया है, चाहे वो जेएनयू हो या चाहे वो जादवपुर हो। लास्ट साल जेएनयू के इलेक्शन में हम देखे थे कि ये बीजेपी आरएसएस वाले कैसे बाहर से लोगों को लेकर जेएनयू के इलेक्शन तक को कैंपस डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की कोशिश किए थे, लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड लेफ्ट जो है कैसे वो आरएसएस बीजेपी को मार भगा के वो हम देखे थे। और लास्ट साल जब आईएसएफ आईएएफ स्विंग लॉन्ग मार्च किया था, तब जादवपुर में जब आरएसएस वाले हमला करने की कोशिश किए थे, तब वहाँ के आईएसएफ के उस प्रोग्राम में आईएसएफ एसएफआई डीएसओ स्टूडेंट ब्लॉक पीएसयू सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा आरएसएस का जो हाल बनाया था, अगर ये वीडियो एक बार यहाँ पे दिल्ली में चला देंगे तो दिल्ली से कोई बीजेपी वाले बंगाल जाने का साहस नहीं करेगा। कांग्रेस हम ये बोलना चाहते हैं कि हम जो स्लोगन देते हैं कि पशु राज में पशु योग में पशु शोध में कॉम्रेड गारा का बैरिकेड, लेकिन आज जो समय है इस समय में एक और शब्द को आप जोड़ लीजिए, प्रतिभाग को जोड़ लीजिए, आज से स्लोगन दीजिए पशु योग में पशु शोध में प्रतिभाग में कॉम्रेड गारा का बैरिकेड। जहां जहां आघात आएगा वहां वहां प्रतिघात आएगा। जस्ट दो दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3-4 एसएफआई के स्टूडेंट्स वो हैंडल भी नहीं कर रहे थे, तो ये डरपोक वाले आज जस जल आके लड़कियों को पीट के चले गए। लेकिन उसके अगले दिन जब हम यूनाइटेड लेफ्ट वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर कैंपस के अंदर जब मिचिन निकाले मोर्चा निकाले तब आस पास एक भी आरएसएस वाले नजर नहीं आए थे। तो इसीलिए कांग्रेस ये जो डंडा है इस बार जो हजारों डंडा हजारों फ्लैग आप देख रहे हो, तो जब ये लोग हमारे सामने बंदूक थामेंगे तब उसके सामने हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। वो अगर हमारे सामने बंदूक थामेगा तो एक दूसरे का हाथ हमारे हाथ में रहेगा, और अगर जरूरत पड़े तो झंडा थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बड़े झंडे में बड़ा डंडा रहेगा तो बंदूक के सामने हमारा हाथ रहेगा और हाथ में फ्लैग रहेगा। यही हमारी राजनीति है कांग्रेस। हम जो देश में रह रहे हैं वो सरकार ना तो हमें शिक्षा देने के लिए तैयार है, ना तो सबको शिक्षा मिल रहा है, ना किसी को नौकरी मिल रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसा सरकार बनाना जो सरकार सबको शिक्षा दे और शिक्षा के अंत में सबको एम्प्लॉयमेंट दे। यही दुनिया के अंदर सिर्फ अमेरिका के थोड़े ही दूर में क्यूबा जैसा देश मौजूद है जहाँ पे सबको फ्री शिक्षा मिलता है और सबको नौकरी का गारंटी मिलता है। तो हम भी चाहते हैं ऐसा सरकार लाना जो है समाजवाद की सरकार, और 2 महीने बाद इस देश में जो सरकार आएंगे हमें सबको पता है कि ये बीजेपी आरएसएस के सरकार के जितने भी बैरिकेड है सब एक के बाद एक टूट रहा है। 2 महीने बाद सारा बैरिकेड इस सरकार का टूट जाएगा और हम ऐसा सरकार लाएंगे जो समाजवाद का सरकार होगा। ये समाजवाद का लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे और आगे भी और भी जितने वामपंथी छात्र संगठन है सबको इकट्ठा करके फासीवाद के खिलाफ लड़ेंगे और समाजवाद के जंग को ताकतवर बनाएंगे। इसी सब के साथ आप सबको क्रांतिकारी अभियान देते हुए मैं मेरी बोलना खत्म करता हूँ। इंसाफ जिंदाबाद, एआईएसएफ एसएफआई डीएसओ पीएसयू स्टूडेंट ब्लॉक यूनिटी जिंदाबाद।